समता आंदोलन समिति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 334 में आरक्षण अवधि बढ़ाने वाले प्रस्तावित असंवैधानिक संविधान संशोधन बिल के लिए पार्टी विधि रोकने की मांग के साथ ही इसे सर्वोच्च न्यायालय की सहमति के लिए अनुच्छेद 142 के अधीन भेजने की मांग की गई है। समता आंदोलन समिति के जिला पदाधिकारियों द्वारा आज कलेक्ट्रेट पर मुख्य प्रदर्शन करते हुए बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष व राष्ट्रपति के नाम संदेश भेजा गया है और इस तरह के आयोजन अजमेर के विभिन्न चौराहे व प्रमुख स्थानों पर किए जा रहे हैं, जिससे कि आरक्षण के विरोध में लोगों का विरोध राष्ट्रपति तक पहुंच सके। समता आंदोलन समिति के जिला पदाधिकारियों का कहना है कि समिति द्वारा आरक्षण के विरोध में विभिन्न कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पदोत्तरी में आरक्षण पहले ही खत्म किया गया है और अब जातिगत आधार पर आरक्षण को लेकर समता आंदोलन द्वारा लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित संविधान संशोधन बिल पूरी तरह से असंवैधानिक है और भारतीय लोकतंत्र का मजाक के करोड़ों राष्ट्रवादी मतदाताओं के साथ धोखा है। भारतीय संसद की गरिमा गिराने वाला यह बिल लोकसभा में पास नहीं होना चाहिए और इसकी समीक्षा होनी चाहिए। समता आंदोलन समिति जातिगत आरक्षण के को समाप्त करने के लिए कार्य कर रही है। पिछले 27 सालों से लगातार कार्य कर रही है। इसने दो इशू मेन हाथ में लिए थे, पहला पदोन्नति में आरक्षण समाप्त करना और दूसरा जातिगत आरक्षण समाप्त करना। पदोन्नति में आरक्षण समाप्त हो चुका है। जातिगत आरक्षण के लिए सरकारें हर 10 साल में इसकी अवधि बढ़ा देती है। जनवरी 20 में इसकी अवधि ड्यू थी बढ़ाने की और हाल ही कैबिनेट ने निर्णय करके इसको आगामी 10 साल के लिए बढ़ा दिया है। यह बिल्कुल सांसदीय कार्य के विरुद्ध कार्य है। इसमें अब ये पेश होगा लोकसभा में और उसमें व्हिप जारी कर दी जाती है, जो कि बिल्कुल अपने प्रजातंत्र के खिलाफ है। सारे एमएलए एमपीस को अपनी इच्छा व्यक्त करने की भी स्वतंत्रता नहीं होती है। इसलिए हम राष्ट्रपति से और दोनों सभाओं से, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष से निवेदन कर रहे हैं कि इनको व्हिप जारी करने से रोके, इस असंसदीय कार्य को रुकवाए और इसके लिए 6-7 हमारी रिटें पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, उनके नोटिसेज भी इश्यू हो चुके हैं। उन नोटिसेज के तहत पहले इस पर विचार करें और इसकी समीक्षा करें। डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा था कि 10 साल बाद इसकी समीक्षा होनी चाहिए, तो ये बिना समीक्षा ही पास हो रहा है, जो कि संविधान और राष्ट्र के विरुद्ध है। इसके लिए हमारा 10 स्टेट में जब तक ये पारित नहीं हो उससे पहले प्रदर्शन है। आज हमारा मूक प्रदर्शन है राष्ट्रपति के नाम और पब्लिक के नाम। पब्लिक इसमें हम समझे और इसका विरोध करे, ये समता आंदोलन का कार्य है।